हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो हम कर रहे हैं AKTU बी फार्मा 5th सेमेस्टर का फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड का 2019 और 20 वाला जो पेपर आया था, इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इस पेपर के दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, जो एक सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करके बनाया था, और एक सेक्शन बी का जो एक क्वेश्चन था यानी फर्स्ट क्वेश्चन था उसको सॉल्व करके बनाया था। आज हम करेंगे सेक्शन बी का जो बी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जो बी क्वेश्चन है सेक्शन बी के अंदर, वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैफीन एंड फॉर्सकोलिन। यहाँ पर हमें कैफीन का प्रोडक्शन एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन करना है। अब देखिए, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर जब भी कैफीन को बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, ये तो हुआ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, जब भी ये बन गया है तो हम ये देखते हैं कितना हमने प्लांट लिया था उसके अंदर से कितना निकला है कैफीन और किस के सॉल्वेंट के अंदर से निकला है, तो वो पूरा का पूरा होता है एस्टिमेशन करना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन का मतलब होता है सीधा सीधा यूज, कि इसका यूज क्या क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें करनी है हमें कैफीन की और फोर्सकोलिन की, दो प्लांट की। तो अब आते हैं हम इसके आंसर पे, कि आंसर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। यहां पर देखिए, ये हमने हेडिंग डाल दी है सबसे पहले, क्योंकि हम कैफीन का करेंगे, दोनों का अलग अलग ही करेंगे ना, तो सबसे पहले कर लेते हैं कैफीन का। तो यहां पर कैफीन का जब भी करेंगे तो हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कैफीन। तो बायोलॉजिकल सोर्स हम यहां पर क्यों लिख रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में तो हमें पूछा भी नहीं है। तो देखिए, कॉग्नोसी में आपको पूछा कुछ भी जाए, आपको बायोलॉजिकल सोर्स हर जगह पे लिखना ही होता है। इसके आधे नंबर अलग से होते हैं। अगर आप बायोलॉजिकल सोर्स लिखेंगे इसका आधा नंबर अलग से होगा, और अगर इसको नहीं लिखोगे और कोई संकी हुआ तो कम से कम एक नंबर काट लेगा सिर्फ इसी ही चीज का। ठीक है, तो आपको लिखना जरूर है बायोलॉजिकल सोर्स। तो देखिए, कैफीन जो है, वैसे तो ये हमें ऐसे याद होता है कि कॉफी के अंदर मिलता होगा सबसे ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैफीन जो है उसको हम आइसोलेट करते हैं टी से। क्यों करते हैं? चाय की पत्ती से इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल आता है, और क्योंकि जो टी होती है वो अगर हम कॉफ़ी के साथ में कंपैरिजन करें तो टी जो होता है ये सस्ता होता है। सबको पता है चाय पत्ती सस्ती आती है कॉफ़ी के कंपैरिजन में, तो इसीलिए यहाँ से जब हम कैफीन को निकालते हैं तो हमें सस्ता पड़ता है। इसीलिए हम कहाँ पर शिफ्ट होते हैं, टी के अंदर से निकालते हैं कैफीन को। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स पे। अब देखिए, आपको बायोलॉजिकल सोर्सेस का याद कैसे रखना है, तो इतना तो पता चल गया, इसको हम टी से लेते हैं यानी टी लीफ से लेते हैं। तो यहाँ पर तो यही है, लीव्स और लीफ बर्ड्स लेंगे थियासाइनेंसिस की। अगर थियासाइनेंसिस आपको याद नहीं रहता है कैसे याद करेंगे, देखिए टी से ले रहे हैं ना इसको, ये हमने टी ही तो लिखा है यहाँ पे, बस बीच में यहाँ पे एच और लगा देना है ना, ये बन गया थिया। तो ऐसे करके आपको याद रहेगा इसका बायोलॉजिकल सोर्स, कि इसको हम थियासाइनेंसिस से ऑब्टेन करते हैं, और इसकी फैमिली क्या होती है, तो थिया से ही है इसकी फैमिली, थिए से। ठीक, अब नेक्स्ट करेंगे। देखो, ये है इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इस तरह से याद करोगे आपके लिए इजी रहेगा। आप चाहो तो ये फ्लो डायग्राम बना देना एग्जाम में, और उसके अंदर अगर आप चाहो तो इसको डिस्क्राइब भी कर देना पॉइंट्स में, पर उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो करना कर सकते हो, पर उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फ्लो डायग्राम काफी है। ये फर्स्ट फ्लो, ये फर्स्ट है डायग्राम, उसके नीचे ही जस्ट आपको लिखना है ये सेकेंड। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ले लेनी है जो भी हमारी टी लीव्स है यानी जो भी हमारी चाय की पत्ती है उसको ले लेना है, और उसको सेम मैसेज जैसे हम चाय बनाते हैं पानी के साथ में बॉईल करते हैं ना चाय पत्ती को, तो सेम हमें वैसे ही करना है। हमें पानी ले लेना है और उसके साथ में करना है इसको बॉईल। कितनी देर तक? 15 मिनट तक करना है। उसके बाद में हम फिल्टर कर लेंगे सेम वैसे जैसे हम चाय को फिल्टर कर लेते हैं। इसके बाद में अभी हम क्या करेंगे, जो भी जैसे चाय छन्नी के ऊपर जो भी हमारी पत्ती बच जाती है, सेम वैसे ही यहाँ पर फिल्टर पेपर के ऊपर जो चाय पत्ती बच गई होगी उसको फिर से हम थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर उसके ऊपर से डाल देंगे, उबलता हुआ पानी थोड़ा सा डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? ताकि और जो थोड़ा बहुत चाय पत्ती के अंदर रह गया है एक्सट्रैक्ट वो भी आ जाए बाहर। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो, हम जो फिल्ट्रेट होता है उसी को ही तो हम पीते हैं अगर हमने ब्लैक टी बनाया है तो, और जो रेजिड्यू होता है यानी जो चाय छन्नी के ऊपर पत्ती आ जाती है उसको तो हम फेंक देते हैं ना, तो ये रेजिड्यू को तो हम कर देंगे डिस्कार्ड यानी इसको देंगे हम फेंक। और हमें क्या चाहिए? ये चाहिए जो फिल्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर पानी के साथ बनाया है ना, तो ये जो फिल्ट्रेट होगा ना ये पानी होगा, और ये पानी कैसे कलर का होगा? ब्राउन कलर का पानी होगा।
ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, ब्राउन कलर इसमें है नहीं, वरना मैं ब्राउन कलर का ही आपको बना के दिखा देती। चलिए, तो ये ब्राउन कलर का है हमारा पानी, ऐसे कर लो इसको सपोज। ठीक, अब ये जो ब्राउन कलर का पानी है, इसके ब्राउन कलर का पानी है, इसके साथ ही हमने सारी चीजें करनी है। ये ब्राउन कलर के पानी के अंदर ही होगा हमारा कैफीन, और कैफीन का कलर याद रखना है, कैफीन का जो कलर होता है ना वो कलरलेस होता है, यानी उसके अंदर कोई कलर नहीं होता, या हम मान सकते हैं वाइट कलर होता है, पर वाइट भी नहीं होता, कलरलेस ही होता है। तो कोई कलर नहीं होता कैफीन के अंदर। इसके अंदर अभी जो इतने सारे कलर है ना, क्योंकि कलर्ड है ना ये, तो ब्राउन कलर का पानी है, तो इसके अंदर कलर है किसकी वजह से है, इंप्योरिटीज की वजह से। हमें उन इंप्योरिटीज को ही बाहर निकालना है, और लास्ट में रह जाएगा हमारा कैफीन। तो उन इंप्योरिटी को बाहर कैसे कैसे निकालेंगे, उसी का ही है पूरा प्रोसीजर। तो देखिए, ये हमारे पास फिल्ट्रेट आ गया, इस फिल्ट्रेट के अंदर अब हम डाल देंगे लेड एसीटेट सबसे पहले। ठीक है, क्या डाल देंगे इसके अंदर सबसे पहले, सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर लेड एसीटेट। ये लेड एसीटेट डाल दिया इसके अंदर। अब लेड एसीटेट डालने के बाद में हम लेड एसीटेट कब तक डालते रहेंगे, तब तक डालते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर प्रेसिपिटेट बनना बंद ना हो जाए। जैसे ही हम लेड एसीटेट डालेंगे ऐसे ना, धीरे 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 इसके प्रेसिपिटेट बनते जाएंगे। ठीक है, ये बन गया प्रेसिपिटेट। अब जब तक हम डालते रहेंगे लेड एसीटेट, तब तक कि प्रेसिपिटेट ना बनना बंद हो। जैसे ही प्रेसिपिटेट बनना बंद हो जाएगा तो हम लेड एसीटेट को डालना कर देंगे बंद। ठीक, और इसके बाद हम इसको कर लेते हैं फिल्टर। फिल्टर करने पे हमें फिर से दो चीज़ें मिलेंगी, वो दो चीज़ें कौन सी होंगी, एक तो होगा रेजिड्यू यानी जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, और दूसरी चीज़ होगी फिल्ट्रेट जो नीचे आ जाएगा। तो ये जो प्रेसिपिटेट है ये तो आ जाएगा रेजिड्यू के अंदर, मतलब रेजिड्यू जो होगा वो प्रेसिपिटेट का ही होगा ना, तो ये तो हमारे काम का है नहीं, तो इसको कर देंगे डिस्कार्ड यानी कि फेंक देंगे, और हम क्या ले लेंगे, फिल्ट्रेट ले लेंगे। अब ये जो फिल्ट्रेट है ना, देखो हमने यहाँ पर लेड एसिडेट डाला था ना, तो तब तक डाला था जब तक प्रेसिपिटेट बनना बंद हो जाए, पर जहां पर भी बंद हो गया था एग्जैक्टली हमें थोड़ा ना पता चला था कि यहीं पर ही बंद हो गया, थोड़ा बहुत ना लेड एसीटेट चला जाता है एक्स्ट्रा। तो हमें क्या करना होता है, यहां पर ये जो फिल्ट्रेट है इसके पास जो लेड एसीटेट ज्यादा चला गया है, हमें उसको अभी बाहर निकालना है। और इस लेड एसीटेट को हम कैसे बाहर निकालेंगे, H2SO4 डालेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, जो लेड एसीटेट है उसका एक फिल्ट्रेट, उसका एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले हमने लेड एसीटेट डाला जो फिल्ट्रेट था उसके अंदर, यानी जो पानी वाला आया था एक्सट्रैक्ट, उसके अंदर हमने लेड एसीटेट डाला। लेड एसीटेट डालने के बाद में फिल्टर कर लिया, जो प्रेसिपिटेट आया था उसको फेंक दिया। अब जो फिल्ट्रेट आया था हमारे पास, इसमें हमने दूसरी बार डाला है हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड ने भी प्रेसिपिटेट बना दिया है, उस प्रेसिपिटेट को भी हम फेंक देंगे और फिर से क्या ले लेंगे, फिल्ट्रेट ले लेंगे। तो देखिए, ये यहां पर है फिल्ट्रेट, ठीक है, ये रेजिड्यू है जिसको हमने फेंक दिया। अब ये जो फिल्ट्रेट है इसमें अभी और कलरिंग इंप्योरिटीज रह गई हैं, उनको भी बाहर निकालने के लिए हम डालेंगे चारकोल। चारकोल डालने के बाद में हम इसको भी फिल्टर कर लेंगे और इसको इवेपोरेट करवा देंगे वाटर बाथ पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास में फिल्ट्रेट आएगा और रेजिड्यू आएगा, दो चीजें, फिर से रेजिड्यू को फेंक देंगे। हमें हर बार में सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेट को ही लेना है। अब ये जो फिल्ट्रेट आया है इसको हम ठंडा कर लेंगे, और क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाटर का ही है एक्सट्रैक्ट, अभी जितनी भी चीजें करी है हमने इसके साथ ही करी है ना, और ये एक्सट्रैक्ट था वाटर वाला, तो ये वाटर वाला है फिल्ट्रेट। इसके साथ में अगर हम क्लोरोफॉर्म डालेंगे तो दोनों की डेंसिटी अलग है, दोनों की लेयर अलग अलग बन जाएंगी। ये आ जाएगी ऊपर, आ जाएगी क्लोरोफॉर्म वाली लेयर, और नीचे चली जाएगी जो वाटर वाली लेयर है वो। ठीक है, तो वाटर वाला लेयर जो है इसको हम निकाल के फेंक देंगे। हमें कौन सा चाहिए, क्लोरोफॉर्म वाला लेयर। क्यों, क्योंकि जो हमारा कैफीन है वो चला गया है क्लोरोफॉर्म वाले लेयर में। अभी इस क्लोरोफॉर्म वाले लेयर को ले लेंगे, और ये जो क्लोरोफॉर्म वाला लेयर है इसको भी हम इवेपोरेट करा देंगे, यानी जो भी क्लोरोफॉर्म है उसको भी हम इवेपोरेट करा देंगे वाटर बॉथ पे। और इसके बाद में अब हम इसमें डालेंगे मिथेनॉल। मिथेनॉल बेसिकली हमने क्यों डाला है, ताकि जो भी कैफीन है उसके क्रिस्टल बन जाए, तो क्रिस्टल बनाने के लिए डाला है हमने मिथेनॉल। मिथेनॉल डालने के बाद में इसमें और थोड़ा सा ऐड कर देंगे बॉइलिंग वाटर, और इसको पूरी रात के लिए छोड़ देंगे, और जब हम दूसरे दिन सुबह को आएंगे तो हमें यहां पर कैफीन के क्रिस्टल बने हुए मिलेंगे। अगर आपने ये लैब के अंदर प्रैक्टिकल किया है तो आपने देखा होगा, जैसे ये आप क्लोरोफॉर्म का छोड़ के गए थे, जो क्लोरोफॉर्म के बाद में इवेपोरेट कराने के बाद में आपने मिथेनॉल डाला था, और जब आप नेक्स्ट डे आते हो ना तो आपको ना ऐसे ऐसे क्रिस्टल मिलते हैं, ऐसे ऐसे निडल शेप क्रिस्टल मिलते हैं, जो कि पूरे के पूरे बीकर पे ऐसे चिपके रहते हैं, तो ऐसे क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। ये होता है कैफीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एस्टिमेशन कैसे करेंगे
इसका कैफीन का, और कौन से मेथड से करेंगे एस्टिमेशन, तो एचपीएलसी मेथड से करते हैं हम मोस्टली एस्टिमेशन। तो एचपीएलसी मेथड ही होते हैं वैसे मोस्टली, हर किसी के अंदर थोड़े 10% ड्रग होते हैं जिनके अंदर हमें और कुछ भी यूज करना होता है, वरना एचपीएलसी जो है ये बेस्ट मेथड होता है एस्टिमेशन करने का। तो एचपीएलसी में ना हम यहाँ पर कॉलम कौन सा यूज करेंगे, C18 कॉलम यूज करेंगे, ठीक। मोबाइल फेज कौन सा यूज करेंगे, तो मिथेनॉल एसिटोनाइट्राइल मोबाइल फेज यूज कर लेंगे। वेवलेंथ सेलेक्ट करेंगे 273, क्योंकि जो कैफीन है वो 273 नैनोमीटर पर ही एब्जॉर्प्शन शो करता है। फ्लो रेट कितना रखेंगे, 1.5 ml पर मिनट। अब यहाँ पे याद रखना 1 से और 2 तक ही रखते हैं मोस्टली फ्लो रेट, ठीक है। तो ये हमने रख दिया 1.5 ml पर मिनट। स्टैंडर्ड प्रिपरेशन क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैफीन ले आएंगे मार्केट से खरीद कर। 10 mg जो है उसको हम डिसॉल्व कर लेंगे पहले 15 ml मिथेनॉल के साथ में, और फिर उसको जब हमने अच्छे से मिला लिया, अच्छे से जब वो मिल गया, उसके बाद में हम इसमें और ऐड कर देंगे वॉल्यूम मिथेनॉल का, और कितना बना लेंगे, टोटल 25 ml बना लेंगे। वैसे ही अगर हमें सैंपल का प्रिपरेशन करना है तो 250 mg सैंपल का एक्सट्रैक्ट लेंगे, जो हमने अभी भी आइसोलेट किया था पिछले ही उसमें मेथड में, जो आइसोलेट करा है, जो प्रोडक्शन करा है कैफीन का, उसको लेंगे हम कितना 250 mg, और उसको 25 ml मिथेनॉल में, यानी कि सेम मिथेनॉल में उसको डिसॉल्व कर लेंगे, और उसका वॉल्यूम बना लेंगे हम 100 ml, ठीक है। यहां पर हमने 15 ml में डिसॉल्व कराया था और वॉल्यूम बनाया था 25 ml, यहां पर हमने 25 ml के अंदर डिसॉल्व कराया है और वॉल्यूम फिर बना दिया है 100 ml, यानी डाइल्यूट कर दिया है उसको 100 ml तक। इसके बाद में प्रोसीजर क्या होता है एचपीएलसी का, ये हर किसी के अंदर यही ही लिखना होता है कि इंजेक्ट करते हैं 10 माइक्रोग्राम। ये जो दोनों बनाया ना हमने, ये 25 ml वाला जो बनाया है और ये 100 ml वाला जो बनाया है, इन्हीं दोनों का अलग अलग लेंगे 10 माइक्रोलीटर इनमें से, और 10 माइक्रोलीटर लेंगे दोनों का। लेने के बाद में हम इसका इंजेक्शन लगवा देंगे अपने एचपीएलसी के कॉलम में, और उसके बाद में हम रिकॉर्ड कर लेंगे जो भी क्रोमेटोग्राम आएगा एचपीएलसी का। इस क्रोमेटोग्राम से ही ऐसे ऐसे करके क्रोमेटोग्राम आएगा इसका, तो ये जो क्रोमेटोग्राम आएगा उसी से ही हम परसेंटेज जो है कैफीन का वो ऑप्टेन कर लेंगे, वो हमें मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। और कहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो पीक एरियाज जो होंगे, ये जो पीक एरियाज जो हैं, यहाँ से हम उसका पता लगा लेंगे कि हमारा कैफीन जो है वो कितना प्रेजेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ कैफीन, कि जो कैफीन होता है उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है। तो कैफीन को मोस्टली यूज करते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट के लिए, जैसे जब भी हमें नींद आ रही होती है कैफीन ले लेते हैं, और हम जब और हम क्या होते हैं जाग जाते हैं एक तरीके से, है ना। तो जब भी नींद आ रही हो तो इसको कैफीन को लेने से क्या होता है, सीएनएस स्टिमुलेट हो जाता है ना। तो सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह काम करता है ये, और वेकफुलनेस कर देता है इंसान की, यानी जगा देता है। नेक्स्ट यूज है कि ये स्टिमुलेट कर देता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, है ना। और जब रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देगा, मतलब जो सांस लेने की शक्ति है उसको बढ़ा देगा, तो ये इंक्रीज कर देता है रेट और डेप्थ रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट यूज है, ये यूज होता है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए नियोनेटल एपनिया। आप देखो नियोनेटल क्या होता है, जो बच्चे जब अभी अभी जल्दी ही पैदा हुए हैं, अगर उनको एपनिया का प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उनको भी हम दे देते हैं इसको कैफीन को, ठीक। नेक्स्ट है कि कैफीन जो है ये डायुरेटिक इफेक्ट भी होता है इसके अंदर, तो हाँ थोड़ा बहुत डायुरेटिक इफेक्ट भी होता है। नेक्स्ट है कि इट इज ऑल्सो यूज अलॉन्ग विथ अर्गोटामिन। अर्गोटामिन जो होता है ये हम बेसिकली माइग्रेन के लिए यूज करते हैं, अगर माइग्रेन के ट्रीटमेंट को और थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना है, तो अर्गोटामिन के साथ में हम कैफीन और दे देते हैं। तो नेक्स्ट था कैफीन का, फिनिश हो गया यहां पर। अब नेक्स्ट करेंगे हम फोर्सकोलिन का। फोर्सकोलिन का भी वैसे ही सबसे पहले लिख लेंगे बायोलॉजिकल सोर्स। तो फोर्सकोलिन जो है ये हमें रूट से मिलता है, और किसकी रूट से मिलता है, कोलियस फोर्सकोली की रूट से, और इसकी फैमिली होती है लेबिटी। नेक्स्ट आएंगे इसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे। तो कोलियस फोर्सकोली जो होता है, क्योंकि इसका रूट यूज करते हैं, तो सबसे पहले रूट लेंगे और रूट का बना लेंगे पाउडर पीस के अच्छे से, ठीक है। अब जो हमारे पास में पाउडर्ड रूट है उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे सबसे पहले क्लोरोफॉर्म के साथ में, और कौन सा एपरेटस यूज करेंगे, सॉक्सलेट एपरेटस यूज करेंगे। जब भी एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जब भी एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, उसके बाद में उस एक्सट्रैक्शन का कर लेंगे फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर कर लेंगे उसको। और फिल्टर करने के बाद भी दो चीजें मिलती हैं, जैसे कि एक मिलता है रेजिड्यू, एक मिलता है एक्सट्रैक्ट। तो रेजिड्यू जो है उसको फेंक देंगे, और हम क्या ले लेंगे, एक्सट्रैक्ट वाला जो पार्ट है इसको ले लेंगे। अब ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको कर लेंगे इवेपोरेट, यानी जो भी हमने क्लोरोफॉर्म डाल के यहां पे एक्सट्रैक्ट निकाला था, तो इस क्लोरोफॉर्म को कर लेंगे इवेपोरेशन, और इसको
कर लेंगे ड्राई, ठीक है। तो और क्या यूज करके करेंगे, तो रोटरी इवेपोरेटर नाम का एक एपरेटस होता है जिससे बहुत अच्छा ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पर रोटरी इवेपोरेटर को यूज करके क्लोरोफॉर्म को करवा देंगे इवेपोरेट, अपने ड्रग को बना लेंगे ड्राई। यहाँ पर क्रूड एक्सट्रैक्ट मिल जाता है हमें फोर्सकोलीन का, पर अभी ये प्योर नहीं है। अगर हमें इसको प्योर करना है तो प्योर करने के लिए क्या करेंगे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी से इसको कर लेंगे प्योर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी फोर्सकोलीन का फ्रैक्शन आएगा, क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा तो मैंने वहां पे बताया था कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हमें बहुत सारे फ्रैक्शंस मिलते हैं अलग अलग कंपाउंड के। तो यहाँ पर जो भी फोर्सकोलीन वाला फ्रैक्शन होगा, जिस फ्रैक्शन के अंदर फोर्सकोलीन है, उस फ्रैक्शन को ले लेंगे और उसको भी करवा देंगे इवेपोरेट, यानी उसके अंदर जो भी सॉल्वेंट है उसको इवेपोरेट करवा देंगे। और अभी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्राई क्रूड फोर्सकोलीन पाउडर आ जाएगा, ठीक है। अभी ये भी बहुत अच्छी तरह से प्योर नहीं होता है, पहले वाले से ये प्योर है, पर अगर हमें इसको भी प्योर बनाना है, प्योर का मतलब क्या होता है, जब पूरे के पूरे अच्छे से क्रिस्टल बन जाते हैं उसको बोलते हैं प्यूरिफाइड फॉर्म। तो अगर हमें इसको भी, इसके भी क्रिस्टल्स बनवा लें, तो क्रिस्टल्स कैसे बनाएंगे हम, ये जो यहाँ पे पाउडर ऑप्टेन हुआ है इसको हम डिजोल्व करवा देंगे क्लोरोफॉर्म में और ऑप्टेन कर लेंगे यहाँ पर हम क्रिस्टल्स। और इसके बाद में सेम वैसे ही जैसे हम कैफीन का एस्टिमेशन कर रहे थे, सेम वैसे ही हम इसका भी एस्टिमेशन करेंगे सेम मेथड से, एचपीएलसी से। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें ना सेम सेम ही होती हैं, जैसे कि देखो आप स्टैंडर्ड और सैंपल का प्रिपरेशन देखोगे सेम होगा उसी की जगह, बस आपको कैफीन की जगह लिख देना है फोर्सकोलीन, ठीक। इतना आपको बस चेंजेस करने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम सेम वही है जो हम वहाँ पर यूज़ कर रहे थे। मोबाइल फेज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो मोबाइल फेस को एक बार देख लीजिएगा, वेवलेंथ चेंज ही होगी क्योंकि हर कंपाउंड की अलग होती है, कैफीन की कुछ अलग होगी, फोर्सकोलीन की कुछ अलग होगी। यहाँ पे फ्लो रेट देख लीजिएगा, शायद वहां पर 1.5 ml था, जैसे मैं बता रही थी 1 से 2 ml के बीच में रखते हैं हम, तो वहां पर 1.5 ml था, यहाँ पर देखेंगे तो 1.6 ml है। तो बाकी इंजेक्टेड वॉल्यूम भी हर किसी के अंदर सेम ही होता है, वहां पर भी 10 माइक्रोलीटर था, यहाँ पर भी 10 माइक्रोलीटर ही है। प्रोसीजर जो होता है वो सबका सेम होता है कि हम 10 माइक्रोलीटर ले लेते हैं दोनों का, स्टैंडर्ड का भी और सैंपल का भी, और इसको लेके इंजेक्ट करा देते हैं एचपीएलसी के कॉलम के अंदर, और फिर जो भी क्रोमेटोग्राम होता है उसको हम कर लेते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने के बाद में जो पीक एरियाज आए हैं उनके थ्रू हम जो भी फोर्सकोलीन का परसेंटेज है उसको कर लेंगे कैलकुलेट। अब आते हैं नेक्स्ट इसके यूजेस पर। तो जो फोर्सकोलीन है इसको हम बेसिकली यूज करते हैं ग्लूकोमा में, अस्थमा में और कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी में, ये तीन होते हैं इसके मेन यूजेस। इसके बाद में फोर्सकोलीन को हम यूज करते हैं वैसोडाइलेटर की तरह और कार्डियक स्टिमुलेंट एक्शन के लिए। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है, इसको हम यूज करते हैं हाइपोटेंसिव और स्पाज्मोलाइटिक एजेंट की तरह। नेक्स्ट है ये वर्क करता है मसल्स पर और हार्ट पर और जो भी ब्लड वेसल्स के वॉल्स होते हैं वहां पर भी ये काम करता है। नेक्स्ट इसका यूज है ये प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा पावरफुल हार्ट बीट और वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट है कि जो कि लोअर कर देते हैं ब्लड प्रेशर को, यानी हम इसको यूज कर सकते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, ठीक। नेक्स्ट है इसको हम ग्लूकोमा में यूज करते हैं और इसको हम यूज करते हैं आयुर्वेदा के अंदर, और आयुर्वेदा के अंदर हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं, तो जो भी हार्ट डिसीजेज होती हैं या एबडोमिनल कोलिक प्लेन होता है, कोलिक पेन होता है, यानी कोलोन में जो पेन होता है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम यूज करते हैं प्लेटलेट के एग्रीगेशन इनहिबिटरी एक्टिविटी के लिए, यानी प्लेटलेट एग्रीगेशन जब भी होती है तो क्लॉट बन जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जैसे ये ब्लड वेसल्स है यहाँ पर जैसे क्लॉट बन जाता है और इसी से ही हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये जाता है और ये जो क्लॉट्स बने हुए हैं इन क्लॉट्स को जाके कर देता है डिसॉल्व, ठीक, ऐसे कर देता है इनको डिसॉल्व। तो वहां पर इसीलिए हम इसको मोस्टली यूज करते हैं हार्ट वाली प्रॉब्लम्स के अंदर या रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही था।